बिजनेस का आगाज मैंने 2007 में किया था, जब मेरे फादर बीमार होकर घर आ गए थे। मैंने अपना जो पहला स्टार्टअप छोटा बिजनेस स्टार्ट किया 2007 में शुरू किया था। तब मेरे वालिद साहब बीमार होकर घर आ गए थे और हमारे घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, तो फिर मैंने ये सोचा कि एटलीस्ट मैं अपने स्कूल के खर्चे निकालूं। तो उस वक्त मैंने 1500 रुपये का ये जो सप्लायर होते हैं ना गाड़ी पे सामान लेके जाते हैं दुकान, वहाँ से मैंने चीज़ें खरीदी जिनमें चिप्स थे, चॉकलेट शामिल थी, बच्चों की खाने पीने की चीज़ें रोज़मर्रा की, वो मैंने दी और 1500 की चीज़ें मैंने ली और वो मैंने मतलब कि टेबल पे गली में बैठ टेबल पर मैं छोटी सी दुकान से जा ली। तो उसको तकरीबन मैंने कोई 2 महीने उसको मैंने छोटा काम शुरू किया 1500 से, फिर ऐसे ऐसे दुकान बढ़ाते गए। तो उसमें साथ ये था कि मेरे वालिद साहब मेरे साथ कभी कभी आके ना गली में बैठ जाते थे जब मैं चीज़ें बेच रहा होता था। सुबह टाइम में स्कूल होता था तो दुकान बंद होती थी, जब मैं स्कूल से वापस आता तब मैं वो दुकान खोलता था। तो उन्हें फिर ऐसा ऐसा उसमें इंटरेस्ट डेवलप शुरू हो गया, तो उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं अब गए कहीं बाहर तो कमाई कर नहीं सकता, तो मैं यहीं घर बैठ के दुकान बना देता हूँ। तो उस तरह से फिर उन्होंने ये दुकान को स्टार्टअप किया। पहली दफ़ा ये वो जगह थी जहाँ पे मैंने टेबल लगाया था, जहाँ पे मैंने अपना छोटा स्टार्टअप स्टार्ट किया था। और अब ये हमारा किराना स्टोर है जो मतलब कि एक टेबल से शुरू हुआ था और यहाँ तक आ गया। ये स्टार्टअप तो मैंने लिया था लेकिन ये मेरे वालिद साहब की गुडविल की वजह से बहुत चला है। और जब मैंने शुरू किया था तो तकरीबन 1500 की चीज़ें थी, उसमें बिस्किट शामिल थे, चॉकलेट थी, मतलब बच्चों की खाने की चीज़ें शामिल थी, मतलब इस किस्म की ये जो टॉफियाँ पड़ी हैं इस किस्म की चीज़ें शामिल थी। लेकिन फिर जब अब्बू ने ये काम स्टार्ट किया उस वक्त मैंने मतलब 60,000 से ये दुकान सारी मतलब की अलमारी लकड़ी वाली अलमारी खरीदी थी, उसके बाद उन्होंने ये सारा स्टार्टअप किया। फिर 2010 के बाद जब मैं भक्खर अपने मतलब फर्दर स्टडी करने के लिए गया तो उस वक्त फिर ये बेसिकली मेरी अम्मी का और मेरा ही प्लान था कि हम ना गारमेंट्स का काम शुरू करें ना, क्योंकि ये जो परचून की दुकान होती है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, लेकिन जो गारमेंट्स की शॉप होती है वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। कि आप अगर डेली में आपके 2 या 3 ही पीस बिक जाए ना तो आपको पूरे दिन का खर्चा निकल आता है। तो वो फिर मेरी और अम्मी का बेसिकली आइडिया था। तो उसके लिए फिर हम पहले पिंडी गए, बच्चों के कपड़े थे और ये फीमेल्स की कुछ ये जो चीज़ें होती हैं उसमें वो शामिल थी। तो वो 2010 के बाद हमने काम स्टार्ट किया था। तो जब पहली दफ़ा मैं हम लोग वहाँ से सामान लेके आए थे वो करीब 20,000 का था। तो उसके बाद जब दूसरी दफ़ा मैं सामान 1 साल के बाद लेने गया था फिर 30,000 का। लेकिन अब मैं हर महीने जाता हूँ पिंडी से कपड़े लेने और फिर शूज़ लेने जाता हूँ मैं तलागंग, तकरीबन मेरा हर महीने में 1-2 चक्कर लगते हैं पिंडी और तलागंग के। और गारमेंट की शॉप चूँकि मेरी अम्मी चलाती है, मैं तो नहीं चलाता, मैं जस्ट उन्हें सामान ला के देता हूँ, तो वो उधर ही है अंदर कमरे में, उन्होंने मतलब घर में बनाई हुई है। और चूँकि यहाँ पे गाँव है तो जितनी भी हमारे मतलब औरतें खरीदने आती हैं, चाहे हमारी किराने की शॉप है चाहे गारमेंट्स की है, तो इसलिए फिर अम्मी ने घर में बना लिया। मतलब ये हमने हमारा यूज़ का ही कमरा था लेकिन फिर हमारी इसको हमने इसके गारमेंट्स के लिए सेट कर दी, यहाँ पे हमने सामान सेट कर दिया। ये देख रहे गारमेंट्स की शॉप के बाद फिर यहाँ की चूँकि लोकल कम्युनिटी में ना ट्यूशन की बड़ी डिमांड थी ना, स्कूल के बाद बच्चे ऐसी गर्मी में घूमते रहते थे और पढ़ते थे नहीं, तो फिर मुझे ट्यूशन एकेडमी का ख्याल है क्यों मैं ट्यूशन एकेडमी बनाऊं। फिर मैंने दोस्तों के साथ मिलकर ट्यूशन एकेडमी बनाई जिसका नाम था यूनिक एकेडमी। वो मैंने यहाँ लोकल जो हमारा हाई स्कूल है ना वहाँ पे मैंने एकेडमी स्टार्ट की। तो शुरू के तकरीबन 5 महीने में मेरे पास 50 स्टूडेंट हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ये ख्याल आया कि मेरे पास क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ भी है स्टूडेंट्स भी हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पर कम्यूनिटी के लिए ग्राउंड बनाऊँ, क्रिकेट ग्राउंड। तो जब ये ग्राउंड सेट हो गया तो क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स भी थे, काफ़ी स्टेंट भी थी, मेरे पास पूरी मैनेजमेंट की टीम थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम ना यहाँ पे टूर्नामेंट करवाएं क्रिकेट का। तो पहली दफ़ा जब मैंने टूर्नामेंट करवाया तो मेरे पास तकरीबन 15 टीमें आईं।
और उससे मतलब के ब्रेक इवन पे वो रहा, मतलब उससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन एक मतलब के अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर जब नेक्स्ट मैंने ईद पे टूर्नामेंट करवाया, तो वो मैंने प्रॉपर तरीके से टूर्नामेंट करवाया, प्रॉपर स्पॉन्सर लेके आया और उस पर बाइक इनाम रखा गया जो कि मुझे सारा स्पॉन्सर हुआ था। और जब सारा जो मैंने बाद में ग्राउंड का काम करवाया वो भी मुझे सारा स्पॉन्सर हुआ था। और ये जो मैंने पिच बनाई है सीमेंट की, इस पर तकरीबन 40,000 सिर्फ इस पर पिच पे कॉस्ट लगी थी, जो मुझे कि सारा स्पॉन्सर हुआ था। और जो टूर्नामेंट से जो भी प्रॉफिट हुआ था, तो पहला प्रॉफिट सारा मैंने इस पर ग्राउंड पर लगा दिया। तो उसके बाद ये फिर हर साल मैं दोनों इस पर टूर्नामेंट्स करवाता हूँ, और करते करते अब इस ग्राउंड का बहुत नाम बन गया और अब एक पीछे की ब्रांड बन गया। क्योंकि अब जब ईद पे छुट्टी होती हैं तो लोग आके मुझसे कहते हैं कि जब आपका टूर्नामेंट खत्म होगा तब अपनी जॉब्स पे जाएंगे। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम।